नील परिधान से लेकर के, तीसरा है हमारा और अंत में है विदु के पास। व्याख्या भाग समझते हैं। कवि कहता है कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो ज्यो बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार के द्वारा यह पद कवि ने व्याख्या किया है कि उन नीले वस्त्रों को धारण किए हुए श्रद्धा का शरीर बीच बीच से कहीं कहीं से दिख रहा था, तो वह दिखता हुआ नील परिधान बीच सुकुमार, सुकुमार सुंदर, कुमार का मतलब होता है कोमल, नीले वस्त्रों के बीच से श्रद्धा की सुंदर और कोमल अधफुले अंग, बहुत ही कोमल अधफुले अंग इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे मानो खिला हो ज्यों बिजली का फूल, जैसे बिजली का कोई पुष्प खिलाया हो। कहां पर? मेघ वन बीच गुलाबी रंग, मानो बादलों के वन रूपी, बादल रूपी वनों में बिजली रूपी गुलाबी रंग का कोई पुष्प खिलाया हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रघुमंडल उनको भेद दिखाई देता हो छग्राम। और मुखमंडल की तुलना कवि ने कैसे की, शरीर की उपमा कैसे की कि नीले वस्त्रों के बीच में श्रद्धा के जो शरीर के कुछ अंग दिख रहे थे, कुछ प्रत्यंग प्रदर्शित हो रहे थे, वह इस प्रकार से लग रहे थे जैसे बादल रूपी वनों के बीच में कोई बिजली रूपी गुलाबी रंग का पुष्प खिलाया हो। उस प्रकार से सुंदर शरीर उनका झलक रहा था, शरीर की लालिमा झलक रही थी। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, बादल जब पश्चिम में घिरते हो और सायंकाल का समय हो, ऐसे समय की तुलना की है कवि ने श्रद्धा के मुखमंडल से कि जब पश्चिम के आकाश में ओह वह मुख, अरे श्रद्धा के मुख का सौंदर्य ऐसा था जैसे पश्चिम के व्योम में अर्थात पश्चिम के आकाश में जब घिरते हो घन श्याम, घन माने बादल, श्याम माने काले काले भाग बादल घिर रहे हैं, जब पश्चिम में सायंकाल के समय काले काले बादल घिरे हुए हों और उन काले काले बादलों के बीच से अरुण रवि मंडल, अरुण माने होता है सूर्य की लालिमा, रवि माने होता है सूर्य, मंडल माने उसका पूरा प्रतिरूप, उनको भी उन काले काले बादलों के उस पार से लाल रंग या सूर्य की लालिमा उन बादलों को चीरती हुई इस पार से दिखाई दे रही हो, उस प्रकार से श्रद्धा का सुंदर सुंदर मुखमंडल दिखाई दे रहा था। अर्थात बादलों की उपमा की गई है श्रद्धा के बालों से, श्रद्धा के बाल चेहरे पर बढ़िया से पड़े हुए थे और उनका मुखमंडल उन बालों की झड़ी से इस प्रकार से दिखाई दे रहा था जैसे पश्चिम में बादल छाए हुए हों और उन बादलों के बीच से सूर्य दिखाई देता हो। अगली पंक्तियां हैं, घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास। श्रद्धा के काले घुंघराले बाल कैसे घिर रहे थे? घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अंश माने कंधा, तो उनके काले घुंघराले बाल कंधों तक अवलंबित अर्थात झुके हुए थे, सहारा लिए हुए थे और कंधों का सहारा लेकर के आगे की ओर आ गए थे, तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, अंश अर्थात कंधों का सहारा लेकर के आगे की ओर मुखमंडल की ओर आए हुए थे। उन बादलों को देखकर ऐसा लग रहा है, कवि कहता है कि जैसे नील घन सावक से सुकुमार, वो बादल नहीं है, वो जैसे नील घन, नीले घन माने बादल, सुकुमार माने सुंदर सुंदर, नील घन सावक से सुकुमार नीले बादलों के बच्चे, बादलों के बच्चे हों और बड़े ही सुंदर कोमल बादल के बच्चे हों, जो सुधा भरने को विधु के पास, जो सुधा माने अमृत को भरने के लिए विधु अर्थात चंद्रमा के पास आए हुए हों, अर्थात श्रद्धा का मुखमंडल चंद्रमा के समान यहाँ पर तुलना की गई है और उनके बालों को बादल के बच्चों से उपमानित किया गया है। तो घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घनसावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, श्रद्धा के सुंदर सुंदर घुंघराले बाल उनके कंधों का सहारा लेकर के मुखमंडल के पास इस प्रकार से घिरे हुए थे, इस प्रकार से लटे हुए लटके थे जैसे बादल के छोटे छोटे बच्चे या सुंदर कोमल कोमल बादल के टुकड़े चंद्रमा के पास अमृत प्राप्त करने के लिए आए हुए हों। अब आते हैं हम पूरा इस व्याख्या भाग की ओर और शुरू करते हैं इसकी व्याख्या भाग, नील परिधान बीच सुकुमार के चैप्टर की।
तो इसका व्याख्या भाग होने के पश्चात हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका वही हो जाता है पाठ और लेखक का नाम, यह आपका पूर्ववत हो जाएगा जैसा आपने पहले लिखा है। दूसरा प्रश्न हमारा निरंतर आएगा, इस पद्यांश से हमारा दूसरा प्रश्न क्या निकलेगा, श्रद्धा के अधखुले अंगों को अंग कवि को कैसे लग रहे हैं। श्रद्धा के अधखुले अंगों की तुलना कवि ने किससे की है, किससे की है। उत्तर आपका आता है श्रद्धा के कोमल अधखुले अंगों की तुलना कवि ने बादल रूपी वन में खिले हुए बिजली रूपी गुलाबी पुष्प से की है। अब हम आते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा है पश्चिम के व्योम की प्राकृतिक घटनाओं से किसकी तुलना की गई है। तो सीधे उत्तर आता है इसका दूसरा है आपका पश्चिम के व्योम से किसकी तुलना की गई है। इसका उत्तर निकल कर आता है आपका पश्चिम के व्योम से घटित पश्चिम के व्योम से श्रद्धा के मुखमंडल की तुलना की गई है। हमारा चौथा प्रश्न है नीलघन सावक से सुकुमार में कौन सा अलंकार है। उत्तर आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। दोस्तों यहां पर हम उपमा अलंकार लिख दिए हैं। जब प्रश्न आएगा नील घन सावक से सुकुमार में कौन सा अलंकार है, परिभाषा लिखिए, वहां पर आपको परिभाषा भी लिखनी होगी। परिभाषा आपकी होगी जहां किसी वस्तु की गुण धर्म आदि के आधार पर तुलना की जाती है वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब हम पहुंचते हैं इस पैराग्राफ के पांचवें प्रश्न की ओर, और पांचवा प्रश्न हमारा होगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश में हम अपना ले लेंगे नील परिधान बीच सुकुमार अधखुला अंग, नील परिधान से लेकर के मेघवन बीच गुलाबी रंग तक पहुंच जाएगा गुलाबी रंग। ये बहुत बार पूछा जा चुका परीक्षाओं में, तो रेखांकित अंश की व्याख्या में इसको हम लिख लेते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि कहता है, लिखना शुरू कर देंगे, कवि कहता है कि नीले वस्त्रों को नीले वस्त्रों को धारण किए हुए
श्रद्धा के सुंदर शरीर से कुछ अंग अधखुले से दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जो ऐसे लगते हैं मानो बादल रूपी वन में कोई सुंदर गुलाबी रंग का बिजली का पुष्प खिलाया हुआ है। तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला भाग श्रद्धांत का। अगला भाग आपको बस मिलता है बहुत ही जल्दी। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये अच्छा लग रहा है, पाठ आपकी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए